कौन जी का एक अलग स्टाइल है, प्रिंस सिंह राजपूत का अलग स्टाइल है, कोई तालमेल ही नहीं है। सीखता हूँ खेसारी जी, पवन जी, दिनेश जी, तो सीना चौड़ा हो जाता है। मती प्रोडक्शन, जिसके निर्माता अवधेश कुमार सिंह है, इनकी प्रोडक्शन हाउस ने अपनी फिल्म के लिए निर्देशक सुजीत कुमार सिंह को साइन किया है और अपनी फिल्म के लिए भोजपुरी सिनेमा के बाहुबली सुपरस्टार अभिनेता प्रिंस सिंह राजपूत को साइन किया है। फिल्म का नाम अभी तक नहीं रखा गया है। साउथ में रवि किशन का बहुत बड़ा नाम है, अभी हाल ही में जो है केसरी जी ने काम किया है और केसरी जी का एक पिक्चर लॉन्च हुआ है चोरी चोरी चुपके चुपके। आप केसरी जी के लगभग गांव के हैं जी, कितना कुछ प्रेशर आ जाता है या फिर प्राउड फील होता है कि हमारे गांव के की ये पिक्चर हिट हो रही है, दूर से नलाया जा रहा है उनके पोस्टरों को? मेरी तो खुशी की बात है, हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के लिए बहुत गर्व की बात है कि ऐसे हमारे इंडस्ट्री में आज होने लगा है। हमारे सब सीनियर आर्टिस्ट हैं भैया, बड़े आर्टिस्ट हैं, इन लोगों से मैं सीखता हूँ, खेसारी जी, पवन जी, दिनेश जी, तो सीना चौड़ा हो जाता है। देखिए एयरपोर्ट के पास में भी बहुत बड़ा होर्डिंग खेसारी भाई का लगा है, पवन भैया को देखिए एक से हिट गाने हिंदी म्यूजिक डायरेक्टर के साथ काम कर रहे हैं, रवि भैया का तो खैर मेगा स्टार है, तो खुशी होती है ना, हम लोग सीखते हैं, सीना चौड़ा होता है, तो इसमें प्रेशर कहाँ से आएगा, प्रेशर की तो कोई बात ही नहीं है भैया। सर एक ही गांव के लगभग आसपास के गांव में जितनी मेरे पास जानकारी है, गांव वाले का फोन नहीं आता होगा कि प्रिंस जी इनको दूर से नलाया गया, आपकी पिक्चर को कब दूर से नलाया जाएगा? तो उनके दर्शक है, चाहने वाले हैं, जब समय आएगा भाई लोग का आशीर्वाद रहेगा, तो ऐसा नहीं है कि दूध से नहलाया जाए तो ही मतलब प्यार मिलना चाहिए, हमको भी मिलना चाहिए, भाई तो सुपरस्टार है, चल रहे, देख रहे हैं। एक बहुत बड़ी खबर ये है कि आप पवन जी को रिप्लेस कर रहे हैं एक्शन में। नहीं नहीं नहीं, वो तो हमारे बड़े भाई हैं भैया, वो तो हो ही नहीं सकता है, उनका अलग एक्शन है, मेरा अलग एक्शन है, पवन जी का एक अलग स्टाइल है, प्रिंस सिंह राजपूत का अलग स्टाइल है, कोई तालमेल ही नहीं है, वो तो हमारे बड़े भाई हैं लो महाराज, ये ऐसा हो ही नहीं सकता है, रिप्लेस वाली तो कोई बात ही नहीं हो सकती। रिप्लेस की बात इस तरह आ रही है क्योंकि सुजीत जी जो है पवन जी को लेके फिल्म बनाते थे, अब आपको लेके फिल्म बना रहे हैं, इस तरह की अफवाह फैल रही है, अफवाह है या फिर सच है? नहीं नहीं, ये अफवाह सच नहीं है, क्योंकि भैया है, डायरेक्टर है, सबके साथ काम करेंगे, आज पवन जी के भी साथ काम करेंगे, दिनेश जी के साथ काम, सबके साथ काम कर सकते, इसमें कोई कोई किसी का जगह नहीं लेता है, ईश्वर ने सबको एक ही बना के भेजा है, सबका जगह अपना है, भगवान ने उनको सब कुछ दिया है, मान प्रतिष्ठा उन्होंने इंडस्ट्री का यहाँ से लेके पूरे विश्व में फैलाया है, खेसारी जी का भी अपना पूरा वर्ल्ड लेवल पे है, सब लोग अपनी जगह, जब उनके पास समय नहीं होता है या किसी हीरो के पास समय नहीं होता है तो हर प्रोड्यूसर चाहता है कि हमारा प्रोडक्शन कंपनी चलते रहे, तो भाई जब पवन जी नहीं है तो खेसारी जी को ले लो, खेसारी जी नहीं है तो दिनेश जी को ले लो, कोई रेगुलर प्रोड्यूसर तो बैठेगा नहीं, तो इस हिसाब से जब उन लोगों का डेट नहीं रहता है, प्रिंस भाई खुद ही बोलते हैं भैया आपके पास डेट जब रहे तो हम अच्छे पिक्चर बनाएंगे, क्योंकि आपका समय देना जरूरी है, किसी फिल्म में जब तक मैं समय नहीं दूंगा या कोई भी डायरेक्टर समय नहीं देगा तब तक अच्छी फिल्म बनना मुश्किल।